गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज 31st है, वीडियो कंटिन्यू 2 डेज में एक बार आ रहा है। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उस सब में वीडियो शेयर कर देना। सेकंड थिंग लाइक करना। थर्ड थिंग जो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो बताया था उस पर लगभग स्टूडेंट्स ने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली है, मतलब जो ऑफ़र था वो लिमिटेड टाइम के लिए है। तो आप लोग और टेलीग्राम पर जाएँ, उस पर वो चीज़ देखें और वो ऑफ़र को एक्सेप्ट करें, ठीक है। काफ़ी बेनिफिट्स रहेंगे उस ऑफर को आपको एक्सेप्ट करने में। जो मैंने ऑफ़र रखा था टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, तो उसमें फर्स्ट 5 कैंडिडेट्स थे तो वो फुलफिल हो चुके हैं। एक्चुअली 15 कैंडिडेट्स का था वो, 5 पर कैंडिडेट अलग अलग उसके अंदर बैच के अंदर थे। तो ये चीज़ हो चुकी है। और अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब तो अपनी कल वीडियो आने वाली है, तो 1 जैन 2023 को, तो वीडियो को खूब सारा प्यार देना। तो अपन जी टी ओ पर डिस्कस कर लेते हैं। जी टी ओ के अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जब जी टी ओ आपको बोलता है टास्क कंप्लीट करो, तो जो इक्विपमेंट्स वहाँ होते हैं ना, तो उसमें एक तो आप इजी मत लिया करो अप्रोच, ठीक है। आपको फर्स्ट टाइम आप करोगे तो 3 अप्रोच रहेंगे, तो आप फर्स्ट जो अप्रोच करो वो ईजी मत करा करो, थोड़ा हार्ड भी अगर नहीं हो पा रहा है तो मीडियम आप ले लिया करो। उससे क्या रहा है, जो आपको फर्स्ट इंप्रेशन जाता है जी टी ओ के सामने अच्छा जाता है, ठीक है। ये कमांड टास्क के अंदर रहती है। एंड सेकेंड थिंग जो आपका ग्रुप का होता है जी टी ओ 1 एंड जी टी ओ 2, तो उसमें 5 का ग्रुप बनता है, 7 का ग्रुप बनता है, 10 का ग्रुप बनता है, वो आपके बैच के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें भी अपन को एक हेल्पिंग नेचर दिखाना है। यूँ नहीं अपन ने जो भी फट्टा वल्ली देते हैं अपन को उठा के चल दिए, अपने साथ वाले से नहीं पूछे, पहले एक प्रॉपर प्लानिंग करो। हाँ, तो अप्रोच अपन को एक ईजी नहीं रखनी है, मीडियम अप्रोच रखनी है। सेकेंड थिंग प्रॉपर प्लानिंग करनी है, ब्रिज कैसे बनाना है, ठीक है, जो रोप है वो कैसे टाई करनी है। हालांकि जो नोट्स हैं रोप की वो लोग इतनी सीख जाते हैं कि जी टी ओ पता लग जाता है कोचिंगर क्या है, फिर इसने ओनली नोट्स सीखी हैं। तो एक नॉर्मल तरीके से आप शू लेस मारते हैं ऐसे नोट लगा दो, कहीं नहीं खुलेगी। हाँ, आप जब वो फट्टा लगा रहे हो और उसमें आप लास्ट कैंडिडेट है और वो फट्टा लेके आना है रोप से बंधा हुआ है, तो उसमें एक अलग तरीके की नोट होती है, वो आप नोट्स सीख सकते हो, 4-5, ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, जिससे फट्टे के साथ वो रोप आपकी आ जाती है। तो इस तरीके से आप अप्रोच रखें और दूसरों की सुने, और जो बंदा कर रहा है उसको आप बताएं कि चेस्ट नंबर 31 दिस इज़ अ रॉन्ग आइडिया, ठीक है, वी टेक दिस आइडिया। आप बता सकते हो कि ग्रुप का आइडिया ऐसा है, आप ऐसा आइडिया ले, खुद का आइडिया मत करें। वो नहीं सुनेगा आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बोलने का काम है, जी टी ओ सारी चीज़ नोटिस करता है, आप जितना बोलेंगे उतना ही ठीक है। अगर आपने आइडिया अच्छा दिया उसने नहीं माना तो कोई बात नहीं, जी टी ओ समझ जाता है। आप ये मत रहो कि मैंने उसको बोला और उसने मेरा आइडिया नहीं माना, तो ये वाली चीज़ रहती है ग्रुप के अंदर। तो इसमें थोड़ा पेशेंस रखा करो, आप अपना आइडिया दिया करो, माने तो ठीक, नहीं माने ठीक। एंड सेकंड थिंग, एक जल्दबाजी नहीं करनी, पेशेंस रखना ना। कई बार क्या रहता है, अपन प्लैंक जो रहता है वो अपन रख देते हैं, देन फिर उसके ऊपर अपन चलते हैं, तो जैसे ये प्लैंक है, मेरे वोज दिख रही होगी, वोज से थोड़ी आगे पैर नहीं रखना या मिड में पैर रखना, इधर यहाँ पैर रखोगे ना तो ये आगे प्लैंक क्यों आएगा और आपके सर पे लगेगी। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, काफ़ी बार वहाँ होती है ना, कोई मेडिसिन दी जाएगी ना कुछ, जी टी ओ आपको आउट कर देगा, एमएच भेज दिया जाएगा, अगर ज़्यादा कुछ है तो आप एसएससीबी से बाहर हो जाएंगे। तो ये चीज़ है, आराम से पेशेंस से आप करें काम, एक बार सोचें, फर्स्ट अप्रोच, सेकंड अप्रोच, थर्ड अप्रोच सोचें। आप जो कमांड टास्क होती ना, जब कमांडर बोलता है, मतलब जो जी टी ओ सर होते हैं वो बोलते हैं कि एनी अदर आइडिया, आपने एक आइडिया दे दिया, सेकेंड दे दिया, तो बोलेगा ओके कमांडर एनी अदर आइडिया, आप बोलोगे यस सर, वो बोलेगा ओके शो मी, तो आप करके दिखाओगे। नहीं होता है तो आपको टाइम देगा, आपको प्रेशर भी करेगा वो, यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स लेफ्ट, यू हैव ओनली 15 सेकेंड्स लेफ्ट, तो उस प्रेशर में आपको यूँ सोचना ना 30 सेकेंड अपन को बॉम्ब डिफ्यूज करना है, फिर वो चीज़ अपन को टारगेट करना, नहीं, वो डराने के लिए बोलता है, वो आपको एक पेशेंस लेवल चेक करता है। आप आराम से वो काम करो, आपका टास्क कंप्लीट होना चाहिए। वो ऐसे बोला कमांडर यू हैव ओनली 15 सेकेंड्स लेफ्ट, डू फास्ट, कमांडर ओनली 5 सेकेंड, सुनो आप उसकी, लेकिन यूँ रहो कि वो सिर्फ अपन को एक प्रेशराइज अपने ऊपर कर रहा है, ठीक है। तो प्रेशर में नहीं आना है, नॉर्मल अपने को करना है टास्क, कमांड टास्क के अंदर। और जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उसकी भी क्लास में नेक्स्ट टाइम ले लूँगा, अभी छोटी सी क्लास रखते हैं, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट, 50 ज़्यादा लाइक रखते हैं, हर वीडियो 50 ज़्यादा लाइक मिले। और कल संडे है और अपनी वीडियो आ जाएगी, उस वीडियो को खूब सारा प्यार देना और 2023 अच्छे से स्टार्ट करना। ऑल दी बेस्ट गाइज, टाटा, सी यू।